मथुरा शहर के थाना गोविंद नगर क्षेत्र अंतर्गत रामलीला मैदान में लगने वाले दशहरा मेला और रावण पुतला दहन की तैयारियों का शुक्रवार को एसएसपी मथुरा शलभ माथुर ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी की ड्यूटी तय की। पुलिस व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था की और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी मथुरा शलभ माथुर ने बताया। दशहरा मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या तैयारी की जा रही है? जी, जैसा कि विदित है, नवरात्र भी चल रहे हैं और 7 तारीख को और 8 तारीख को कुछ हमारे विसर्जन 9 तारीख को भी हुए और साथ साथ यहाँ पर 8 तारीख को रावण दहन का प्रोग्राम भी हुआ। शहर में लगभग 30 से अधिक स्थानों पर रावण दहन उसके अंदर ये एरिया जो वहाँ पर हम वर्तमान में रामलीला मैदान जो गोविंद नगर में पड़ रहा है, ये सिटी का सबसे मेजर यहाँ पर रामलीला ग्राउंड रहता है, जहाँ पे 20 से 25 हज़ार की भीड़ हर साल रहती है। उसी की तैयारी को लेकर आप सभी अधिकारियों के साथ यहाँ मौके पर मंत्रणा की भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ किस तरह की व्यवस्था पूर्व में रही, किस तरह की तैयारी हम लोगों को करनी है और दूसरे विभागों से सामंजस्य करना है और किस हिसाब से सादे में ड्यूटी, फायर सेफ्टी नॉर्म, ट्रैफिक प्लान रखना है, इन सब चीज़ों को इन राइटिंग देख के इन एडवांस ट्रैफिक प्लान को पब्लिक को ब्रीफ करना है फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि आम जनता को 7 और 8 तारीख को क्या हम लोग की व्यवस्था रहेगी उन एडवांस जानकारी।